कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने की लॉकडाउन उल्लंघन की कार्यवाही। प्रतिबंध के बावजूद आयोजित हो रहा था वैवाहिक कार्यक्रम। हम आपको बता दें, रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिजन बस्ती में आज कलेक्टर के निर्देशों पर पुलिस के द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कार्यवाही की गई, जिसमें पुलिस की टीम ने तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार करते हुए महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, मगर मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर इलैया राजा टी ने पुलिस की टीम को कार्यवाही के लिए भेजा, जिसके बाद आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार इसके रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए समूचे मध्य प्रदेश सहित रीवा में भी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इस कर्फ्यू में सामाजिक, राजनीतिक सहित वैवाहिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा है, जिससे भीड़भाड़ को रोककर संक्रमण को काबू किया जा सके। इसके बावजूद लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करने के साथ ही कार्यक्रमों का आयोजन करने की कोशिश में जुटे रहते हैं, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। पुलिस के द्वारा ऐसे मामलों पर महामारी अधिनियम के तहत मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल ऐसा ही मामला सामने आया है रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां एक परिवार के द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तकरीबन 100 से अधिक लोग सहभागी बने, जिसके बाद मामले की जानकारी होते ही रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने गंभीरता दिखाते हुए कार्यवाही के लिए पुलिस को आदेशित किया। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर उनके पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, जबकि ये आयोजन थाने से केवल 200 मीटर की दूरी पर हो रहा था। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। इस संबंध में प्रस्तुत है थाना प्रभारी बिछिया जगदीश ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अंश। जी हाँ, अभी ये आधे घंटे पहले वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश आए कि रीवा में जो महाजन टोला हरिजन बस्ती थाना बिछिया के अंतर्गत एक घर में जो है शादी का फंक्शन चल रहा है, जिनकी सूचना पर मेरे द्वारा समस्त स्टाफ को लेकर जो है मौके पर पहुँच कर देखा गया। मौके पर जो है काफ़ी मात्रा में भीड़ थी और जो देखकर भाग गए। और ये हमारा हरिजन बस्ती में जो है आपका सुरेश साकेत है, सुरेश साकेत के यहाँ पर शादी का फंक्शन चल रहा था, उसी फंक्शन के दौरान जो है कई लोग देखे गए, उनको वहाँ से खदेड़ा गया, जो भागने में सफल भी हुए। और जो शादी का जो मुखिया था घर का, उसको सुरेश साकेत को लाया गया है और उसके खिलाफ़ जो है तत्काल जो है COVID-19 के विरुद्ध जो है उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई लोगों को पकड़ के लाए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? हाँ, उनको सबको एक साथ जो है इसी के तहत जो है COVID-19 के उल्लंघन के तहत जो कार्रवाई की जाएगी सभी लोगों के खिलाफ, और भी अन्य नाम आएंगे तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। कितने की संख्या में लगभग ये करीब 50-60 लोग देखे गए हैं, उसमें 10-15 बच्चे थे, है ना? जी।